आ गई है और मैक्स की पॉपुलैरिटी ट्रेंड्स लिस्ट, और यहाँ पर हुए हैं बड़े बदलाव। क्या बड़े बदलाव है बता दें हम आपको इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। यहाँ पर हम आपको बता दें 9 से 16 तारीख तक की और मैक्स पॉपुलैरिटी ट्रेंड्स लिस्ट आ गई है, जिसमें 5 लोगों का नाम रहता है। उन 5 लोगों का नाम जो घर को कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं, घर को चला रहे, सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं घर के अंदर और सबसे ज्यादा पॉपुलर हो जा रहे हैं घर के बाहर। तो यहाँ पर नंबर 1 पर कौन है? ऑब्वियसली रुबीना दिलैक, जो नंबर 1 की पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ पर रुबीना दिलैक कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन के साथ और अपने गेम के साथ, तो नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है रुबीना दिलैक। वहीं नंबर 2 पर है राखी सावंत। जी हाँ, एंटरटेनर ऑफ द हाउस, अब गेम भी खेल रहे हैं, राखी सावंत है नंबर 2 पर। वहीं नंबर 3 पर है अली गोनी, जिनका गेम अब ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है। जिस तरीके से अली स्मार्टली गेम में स्वीप करते जा रहे हैं आगे, वहां पर अली को बहुत पसंद किया जा रहा है। वहीं नंबर 4 पर वापसी हो रही है राहुल वैद्य की। राहुल वैद्य का भी गेम जो है वो ऑडियंस को पसंद आता रहा है, लेकिन अभी कुछ फिलहाल कुछ डाउन नजर आ रहे हैं राहुल वैद्य। इस वजह से कभी नंबर 2 रहने वाले राहुल वैद्य सरक कर नंबर 4 पर आ चुके हैं। वहीं नंबर 5 पर फिर से लिस्ट में वापसी हुई है यहाँ पर एजाज खान की। एजाज खान पिछली बार लिस्ट से गायब हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से वापसी की है यहाँ पर नंबर 5 पर। अब इस लिस्ट को अगर देखें तो एक एनालिसिस साफ है कि भाई राखी सावंत और अली गौनी का जिस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड आगे जा रहा है, ये दोनों कहीं ना कहीं टॉप 2 में शामिल हो सकते हैं। यानी कि या तो अली हो सकते हैं टॉप 2 में या फिर राखी हो सकते हैं टॉप 2 में रुबीरा दिलैक के साथ। ऐसे में यहाँ पे इससे पहले राहुल वैद्य को रुबीरा का सीधा टक्कर में समझा जा रहा था, सीधा कॉम्पिटिटर समझा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल का गेम जो है वो कमजोर पड़ चुका है रीएंट्री के बाद। वो अली से ओवरशैडो होने लगे हैं और इस वजह से कहीं ना कहीं अली उनसे आगे बढ़ चुके हैं और अली का गेम बेहतरीन होता जा रहा है। तो राहुल वैद्य को अब साइड किक ना बन के कुछ ना कुछ अपने गेम के लिए करना होगा, तभी शायद गेम में उनकी वापसी हो सकती है। ज्यादा समय नहीं बाकी है, ऑडियंसेस अपने फेवरेट्स तय कर चुकी है। ऐसे में राहुल वैद्य के गेम को अब स्ट्रांग होने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे? आइए करते हैं कॉमेंट सेक्शन में इस बारे में चर्चा, और लगातार हम आप तक सारी खबरें पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ।